दोस्तों आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे प्रो टिप्स जिसके वजह से दोस्तों आपका जो YouTube चैनल है वो एकदम रॉकेट की तरह भागेगा। और ये पांच ट्रिप्स या फिर बोल लो इसको ट्रिक्स, यार अगर आप ये करते हो तो आपका चैनल सच में बहुत ही जल्दी आपके वीडियोस जो है वो वायरल भी होंगे और अच्छे खासे व्यूज आएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 लाख 2 लाख या फिर 1 मिलियन व्यूज आएंगे या फिर एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन ये चीजें आप अगर अपने चैनल के साथ करते हो तो काफी अच्छे खासे आपके चैनल जो है वो ग्रो करेंगे और जो पहले की अपेक्षा जो व्यूज थे उसमें बढ़ोतरी होगी और काफी अच्छे व्यूज आएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टिप्स है वो है दोस्तों आपकी ऑडियो जो है वो आपकी वीडियोस को रैंक करने में काफी ज्यादा मदद करती है। अगर आपकी ऑडियो काफी अच्छी है, काफी प्यारी है या फिर आप कुछ भी बोलते हो तो बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज नहीं आ रहा है तो YouTube जो है आपके ऑडियो के अपेक्षा यानी फिर आपकी ऑडियो को देखकर भी आपके वीडियोस को जो है वो रिकमेंड में डालती है, सजेस्टेड में डालती है या फिर वायरल भी कर देती है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों आपको जो है अपनी वीडियोस में ऑडियो जो है वो एकदम क्लियर देना होगा ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे और जितना हो सके परफेक्ट ऑडियो दीजिए। जैसा आवाज है वैसा ही दीजिए, ज्यादा पिच करने की जरूरत नहीं है लेकिन अच्छी तरीके से ऑडियो को दीजिए। और उसके लिए पता ही आपको क्या करना होगा, या तो आप एक माइक खरीद लो, जेनेरिक माइक भी खरीद सकते हो या फिर बोया का माइक भी खरीद सकते हो। मैं बेसिकली बोया का ही माइक यूज करता हूं तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरी चीज, दूसरा जो चीज हो गया दोस्तों वो हो गया हमारी वीडियोस की क्वालिटी। जी हाँ, आपकी वीडियोस की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। अब मान लो जैसे कि मेरा एक वीडियोस बन रहा है, अगर मान लो मेरे पास लाइट वाइट ना हो, मेरा फेस अच्छे से ना दिखे, मेरे हाथ की क्लैरिटी अच्छे से ना दिखे, मेरा अब दांत अच्छे से ना दिखे। अगर मान लो आप ही किसी के वीडियोस में जाते हो और उस वीडियोस में आपको किसी का फेस एकदम धुंधला दिख रहा है तो उस वीडियोस को आप देखते हो अच्छे से? बिल्कुल नहीं देखते हो, चाहे उसका कितना भी अच्छा वॉइस क्यों ना हो। तो दूसरी चीज, आपको वीडियोस की क्वालिटी भी अच्छी रखनी होगी, साथ में हो सके तो लाइट लगाइए, ज्यादा महंगा लाइट मत लीजिए, अभी एलईडी लाइट लगा सकते हैं और कैमरा तो आप सबके पास स्मार्टफोन एक अच्छा होता ही है। अब दोस्तों तीसरा जो चीज हो गया, तीसरा जो सबसे मेन चीज होता है दोस्तों वो होता है आपका थंबनेल। सबसे पहली चीज वीडियो रिकॉर्ड हो गई, दूसरी चीज वीडियो एडिट हो गई। अब वीडियो को हम लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, आपको पता है वीडियो को हम लोग अपलोड करते हैं एडिट एडिट सारा चीज करने के बाद, उससे पहले हम लोग को क्या करना होता है, थंबनेल बनाने के लिए होता है। अब ये तो नहीं कस्टम थंबनेल तो हम लोग डाल नहीं सकते, इससे क्या होगा कि सबसे हमारे जो ऑडियंस होते हैं वो हमारी वीडियोस को तभी देखते हैं जब हमारा जो थंबनेल होता है वो अट्रैक्टिव हो या फिर कुछ भी चीज हम बता रहे हैं वीडियोस में तो थंबनेल पे ज्यादातर लिखा होना चाहिए। तो तीसरा चीज, आपको थंबनेल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा। अब अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी PNG फोटोज कोई अच्छे स्टाइल में, जैसे ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ अच्छे तरह से फोटोज को आप अच्छे से करिए, कैप्चर करिए, उसका 2-3 अच्छे अच्छे PNG इमेजेस डाउनलोड करिए। PNG इमेजेस आपको गूगल में मिल जाएंगे। अब मान लो कि जैसे कि देखो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन रॉकेट, तो आप रॉकेट PNG आप कर सकते हो। तो मतलब कि ये सारी चीजें करके आप एक अच्छा सा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाए कि हाँ आपको सबसे पहले खुद देखने में अच्छा लगे कि हाँ भाई ये थंबनेल बढ़िया है, ये मेरा एकदम 110% मैंने इस थंबनेल में दिया है। चौथी चीज दोस्तों होती क्या है कि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हम लोग जो है, बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं ना कि आपको अपनी वीडियोस को शेयर नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो अभी आप न्यू यूट्यूबर हो, आपके पास सब्सक्राइबर बेस नहीं है, तो भाई आप व्यूज कैसे लाओगे? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना कोई भी वीडियोस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कहीं भी शेयर करते हो तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपके चैनल पे, ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैंने भी स्टार्टिंग में शेयर किया था, भाई स्टार्टिंग में हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो हम लोग स्टार्टिंग का व्यूज कहां से लेंगे, यहीं से लेंगे ना। तो आप आराम से इसको शेयर करो, वीडियोस अपलोड हो जाए उसका तुरंत अपने 10 फ्रेंड को शेयर कर दो और उनको बोल दो कि भाई अगर तू मेरा अच्छा दोस्त है तो अपने 10 फ्रेंड को शेयर कर दे। अब 10 लोग को भेज, उसमें से एक लोग तो यार ये वो वीडियो खोल के देखेगा ही देखेगा, 1-2 मिनट तो आपके एक व्यूज तो बढ़ेंगे ना, और अगर पूरा देख लिया तो वॉच टाइम भी बढ़ेगा, ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगा। अब दोस्तों पांचवा और जो आखिरी चीज, देखो बेसिकली मैं बहुत ही जल्दी में बता रहा हूं लेकिन ये छोटी छोटी चीज जो है ना आपके चैनल पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं अगर आप ये सारी चीजों को सही से नहीं करते हो तो। पसीना भी बहुत ही ज्यादा निकल रहा है। देखो पांचवा जो हमारा चीज हो गया वो ये हो गया कि हमें पेशेंस रखना होगा।
अब बताता हूँ पेशेंस कैसे रखना है। देखो स्टार्टिंग में आप एक दिन करोगे व्यूज नहीं आएंगे, दो दिन करोगे व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसी में क्या होते हैं ना, डिमोटिवेट होके वीडियोज ही डालना छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अच्छे से आप वीडियोज डालो, रेगुलर डालो, पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे ना तो यार ऑटोमेटिक आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज करना है। तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज होती है। पांच चीज मैंने आपको बताया, पांचों चीज आप आज से ट्राई करो या फिर कल से ट्राई करो, लेकिन इन सारी चीजों को आप ट्राई करो, फिर देखो आपका चैनल कैसे रॉकेट की तरह भागता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन पहले की अपेक्षा काफी अच्छे खासे व्यूज एंड सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, एक लाइक कर दो यार अपने भाई के लिए यार, और चैनल पे नए आए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।